पूरी चेचर की बराबरी पर दोनों टीमें बहुत ही शानदार खेल का उदाहरण पेश करती हुई दोनों ही मेहमान टीम के खिलाड़ी जितनी ही तारीफ की जाए दोनों मेहमान टीम के खिलाड़ी। हेलो हेलो भाभी का भाई हेलो हेलो आर्मी है वो रात्रिकालीन शूटिंग चैंपियनशिप इंद्रधन जी सालडा की पुण्य समिति में सालडा परिवार की ओर से कराया जा रहा है समस्त ग्रामवासी समस्त कार्यकर्ता की ओर से मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ इनका। इस धूप या रोशनी में इस शूटिंग वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आज के दिन का पहला सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा है गंगानगर और हरियाणा के मध्य। बहुत ही शानदार खेल चल रहा है धूप या रोशनी में शूटिंग वॉलीबॉल प्रतियोगिता का पहला ही लीग सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा है हरियाणा और गंगानगर के मध्य। छह तारीख से लेडी गांव में नौ परिवार की ओर से कराया जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग लें और अपनी आंखों की जांच कराएं। आंखों की संख्या 76 उछलती हुई जा पहुंची 7-6। छह तारीख को नेत्र प्रामाण्य शिविर का आयोजन कराया जा रहा है राजपुर परिवार की ओर से। लंबी जमीन है लंबी जमीन डंडा शिक्षण चेन देखो बहुत ही शानदार खेल का प्रदर्शन यहाँ पर करते हैं दोनों टीम के मेहमान खिलाड़ी। एक दूसरे से विवाह लेने के लिए अपने आप को एक दूसरे से महानतम खिलाड़ी साबित करने की जद्दोजहद में लगे हैं दोनों टीम के खिलाड़ी। जितनी ही तारीफ की जाए इन खिलाड़ियों की उतनी ही कम है। शेवानी चेन आप पॉइंटों की संख्या से आकलन कर सकते हैं कि दोनों टीमें मजबूत और एक रोचक और एक रोमांचक मुकाबला चलता है। धूप या रोशनी में पहला ही रात्रिकालीन लीग सेमीफाइनल मुकाबला बहुत शानदार से धूप ही शानदार तरीके से जवाब दिया से। एक बार फिर सेवन पर चेंज होती हुई साथ साथ की इस गांव के लिए दोनों ही मेहमान टीमें जितनी ही तारीफ की जाए इनकी उतनी ही कम। बहुत ही खूबसूरत मुकाबला चलता हुआ एक कांटे का मुकाबला देखने को मिलता है यहाँ बैठे तमाम दर्शकों को। सेवन ही चेन सात सात की बराबरी पर एक कांटे का और एक रोचक और एक रोमांचक मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलता हुआ। साथ ही दूसरे से लेते हैं आपको खपाता है उसी खिलाड़ी के पक्ष में गेम चला जाता है। नाइन सेवन पॉइंट रहेगी। बहुत ही एक शानदार और एक रोचक और एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिलता है यहाँ बैठे तमाम दर्शकों को। चेंज होती हुई पॉइंटों की संख्या सेवन सात नौ सेवन नाइन नौ का अंतर। सेवन सुरेश बहादुर नाइन सुरेंद्र गंगानगर ऑल राइट और देखिए नाइन सेवन एक अच्छा उदाहरण पेश करते हुए दोनों टीमों के मेहमान खिलाड़ी एक अच्छा उदाहरण पेश करते हुए कुछ न कुछ यहाँ पर सीखने को मिलेगा तमाम युवा खिलाड़ी।
10 7 10 7 पॉइंटों की संख्या में इजाफा होता हुआ और रोक ले ऊपर ज्यादा इलेवन सेवन ग्यारह सात इलेवन सेवन पॉइंटों की संख्या में तेजी के साथ जाते हैं और सामने वाली टीम को 3-13 करने का प्रयास किया। नेत्र का बहुत अच्छा सहयोग केंद्र की टीम को सात ग्यारह सुरेश बहादुर खिलाड़ियों को कान में अपना मंत्र देते हुए कान में अहमदनगर की टीम ने अभी भी 4 पॉइंटों की एक अच्छी खासी बढ़त बनाकर रखी है। 11-7 पॉइंटों की संख्या में इजाफा होता हुआ 11-7 गंगानगर टीम के खिलाड़ी के द्वारा पॉइंटों की संख्या में उछलता हुआ इजाफा होता है 13-7 13-7 ध्यान इसको छोड़ू कितना कच्चा है आउट 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 13-7 इसके पश्चात तनेश गंगानगर और सुधरांचल दोनों टीमें तैयार रहे। तीसरा सेट है वो लगभग रहे समाप्ति की ओर गंगानगर और सुधरांचल की टीमें हैं वो दोनों तरफ ग्राउंड के 6-7 8-7 लास्ट चल कुछ ट्रिक्स देते हुए आंखें निकालते हुए आंखें सब निकाल देते बहुत ही अच्छा जजमेंट 8-15 8-15 चाहिए सुरेश बहादुर की टीम का जोश अभी बरकरार है। वाह वाह छोटी यार सुरेंद्र गंगानगर को मिलता है 15-8 15-8 पॉइंटों की संख्या में इजाफा होता हुआ एक बार फिर हरियाणा दोनों पड़ोसी राज्य और दोनों पड़ोसी राज्यों की दो टीमें कड़े मुकाबले में ग्राउंड पर सुरेश बहादुर अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए 9-15 9-15 जैसे मैंने बताया था खिलाड़ी और एक सैनिक वो आखिरी सांस तक लड़ता है वही यहाँ पर उदाहरण पेश करते हुए दोनों टीम के खिलाड़ी बहुत ही सुंदर और शानदार खेल चलता हुआ रात्रि काली नक्षत्र वॉलीबॉल प्रतियोगिता का पहला लीग सेमीफाइनल मुकाबला चलता हुआ हरियाणा और गंगानगर के मध्य डाले आउट लेकर के सामने वाली टीम को लाभ पहुंचाया है और पॉइंट बढ़ करके गेम पॉइंट 10 दर्शक कह रहे हैं कि अब सल्टाओ भाई गेम सल्टाओ देखिए ये सल्टाओ